नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने से कर दिया था इनकार। बीसीसीआई ने दिया था 48 घंटे का समय। अब वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा होंगे। बीसीसीआई ने विराट कोहली को कप्तानी पद से हटा दिया है। इससे पहले विराट कोहली ने T20 की कप्तानी भी छोड़ दी थी। खबरों की माने तो बीसीसीआई ने विराट कोहली से स्वेच्छा से कप्तानी छोड़ने को कहा था, लेकिन विराट कोहली ने नहीं मानने पर बोर्ड ने रोहित शर्मा को टीम की बागडोर थमा दी है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को स्वेच्छा से कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया था। इसके बाद चयन समिति ने बुधवार को विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को भारत के एक दिवसीय कप्तान के रूप में नामित करने के अपने फैसले की घोषणा कर दी है। विराट कोहली की बर्खास्तगी की बात बीसीसीआई के बयान में भी शामिल नहीं किया गया था, जिसमें केवल ये कहा गया था कि चयन समिति ने रोहित को एक दिवसीय और T20 टीमों के कप्तान का नाम देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय चयन समिति और बीसीसीआई ने विराट को कप्तानी से हटा दिया, जिनकी महत्वाकांक्षा शायद 2023 वनडे वर्ल्ड कप में घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम की अगुवाई करने की थी। जिस क्षण भारत की T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण से बाहर हुआ, कोहली को कप्तानी से हटाए जाना तय हो गया था। लेकिन बीसीसीआई अधिकारी पिछले 4.5 वर्षों से टीम के कप्तान को सम्मानजनक रास्ता देना चाहते थे। अंत में ऐसा लगता है कि विराट कोहली को बीसीसीआई के पास उनको बर्खास्त करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद बीसीसीआई ने आगे बढ़कर ऐसा ही किया। विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम के कप्तान बने थे। अब टेस्ट टीम का कमान विराट कोहली और सीमित ओवर क्रिकेट की कमान रोहित शर्मा संभालने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीकी दौरे से इसकी शुरुआत होगी। भारत को इस दौरे पर 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। रोहित को नया वनडे कप्तान बनाए जाने का कई पूर्व क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स ने स्वागत किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि ये बिल्कुल सही फैसला है। वहीं ICC ने भी रोहित को बधाई दी है। ICC ने इसे सीमित ओवर क्रिकेट में भारत के नए युग की शुरुआत करार दिया है। तो अब रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी जा चुकी है और विराट कोहली अब कप्तानी से आपको दूर नजर आएंगे। यहाँ पर खास बात यह है कि आने वाले दिनों में आप सभी को KL राहुल अब उप कप्तान के रूप में नजर आने वाले हैं, और किसी एक फॉर्मेट में नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि ऐसा लगता है कि विराट कोहली के हाथ से जल्द ही टेस्ट मैच की भी कप्तानी जा सकती है। और उसके बाद जहां रोहित शर्मा को टेस्ट में कप्तान बनाया जा सकता है, तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि KL राहुल को भारत का नया उपकप्तान घोषित किया जा सकता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को नया कप्तान और नया उपकप्तान मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।